Hello friend, welcome to our YouTube channel Engineer Choice Trader. Friend, हमने ट्रांजिस्टर स्टार्ट किया था जिसके दो टाइप्स होते हैं. एक होता है हमारा PNP ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है हमारा NPN ट्रांजिस्टर. PNP ट्रांजिस्टर को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, आज हम डिस्कस करेंगे NPN ट्रांजिस्टर को. ठीक है, तो हमने NPN ट्रांजिस्टर का बेसिक डायग्राम देखा था, कैसा होता है वो. NPN ये होती है हमारी इमिटर रीजन. ठीक है, ये होता है हमारा बेस, ये होता है हमारा कलेक्टर. ठीक है, ये है हमारा इमिटर टर्मिनल. ठीक है, ये है हमारा बेस टर्मिनल और ये है हमारा कलेक्टर टर्मिनल. ठीक है, तो फ्रेंड्स एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता कैसे. In NPN transistor, a P-layer is sandwiched between two n-type semiconductor material where electrons are majority charge carriers and they constitute almost current of transistor. जो हमारा NPN transistor होता है इसमें दो n-type के material होते हैं. ठीक है, जिसके बीच में एक P-type के material की layer होती है. और जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर होता है इसमें हमारे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, क्योंकि जो हमारा इमिटर रीजन है वो किससे बनी है, N टाइप मटेरियल से, और N टाइप मटेरियल में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करेंट फ्लो करवाते हैं, और जो NPN ट्रांजिस्टर होता है इसमें ज़्यादातर करेंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है, दैट मीन्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है. बट ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी है कि इसमें मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होता है, दैट मीन्स कुछ करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दैट मीन्स होल्स की वजह से भी फ्लो होता है. ठीक है, तो जो NPN ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर. इमीटर, बेस और कलेक्टर. ठीक है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN. ठीक, इसमें दो जंक्शन होते हैं, एक होता है हमारा इमीटर बेस जंक्शन और दूसरा होता है हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन. तो ये जंक्शन कौन सा होगा हमारा, इमीटर बेस जंक्शन, ये होगा हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन. ठीक है, बेसिकली हम ना NPN ट्रांजिस्टर के सिंबल का यूज करते हैं. ठीक है, सिंबल का यूज करते हैं NPN ट्रांजिस्टर का. तो NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसा होता है, कुछ इस टाइप के. तो ये हमारा इमीटर टर्मिनल है, ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल है और ये हमारा बेस टर्मिनल. जो NPN ट्रांजिस्टर होता है इसमें करंट की डायरेक्शन अंदर से बाहर की तरफ होती है. ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस होता है PNP और NPN ट्रांजिस्टर में, क्योंकि जो PNP ट्रांजिस्टर होता है उसमें करंट की डायरेक्शन बाहर से अंदर की तरफ होती है और NPN ट्रांजिस्टर में अंदर से बाहर की तरफ होती है. ठीक है, इमीटर से जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, हमारा IP, यहाँ पे कौन सा करंट होगा हमारा IV, दैट मीन्स बेस करंट, और यहाँ पे कौन सा करंट होगा हमारा IC, दैट इज कलेक्टर करंट. फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे. आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें.